नमस्कार दोस्तों, स्टार अदल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 8 सितंबर 2018 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोग से सॉरी बोलना चाहता हूं कि एग्जाम आपका यूपी में 6 तारीख से स्टार्ट हो गया था, बट घर की प्रॉब्लम की वजह से मैं 6 और 7 तारीख की वीडियो अपलोड नहीं कर सका, बट आज से डेली 17 तारीख के वीडियो अपलोड होंगे। और दोस्तों, मैं अनअकैडमी में भी पढ़ाता हूँ, वहां पे मैं थ्योरी क्लास पढ़ाता हूँ, तो आप लोग वहां पे पूरी क्लास नहीं पढ़ सकते, इसलिए टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर का एक निष्कर्ष होता है। जितने भी ऑनलाइन क्वेश्चन होते हैं हर एक चैप्टर में, सबका मैं एक वीडियो बना दिया हूँ, जैसे आप यहाँ पे थंबनेल में देख रहे होंगे। ऐसे आपका टोटल 5, 8 से 9 वीडियो है वहाँ पे, टोटल 8 से 9 चैप्टर वहाँ पे खत्म हो चुके हैं। हर चैप्टर के लास्ट में एक टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है, आप उसको देख लीजिएगा, उससे आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। चलिए आज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो हम लोग का है 8 सितंबर 2018। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले मिल सके। शुरू करते हैं यहाँ पे 8 सितंबर 2018। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे विकास दीपक जी ने क्वेश्चन भेजा है। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन देखते हैं कि एक क्वेश्चन जो आपका है, रिलेटिव यूआरएल और एब्सोल्यूट यूआरएल एक ही शब्द है, ये आपका क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में आया तो हमारे क्या आंसर हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिलेटिव यूआरएल और एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका जो रिलेटिव यूआरएल होता है क्या होता है, जिस पृष्ठ पर आप टाइप करते हैं वह उसी साइट पर है, ये दर्शाता क्या आपका दिक्कत दर्शाता आपका रिलेटिव यूआरएल दर्शाता है, जबकि आपका एब्सोल्यूट यूआरएल जो होता है उस पृष्ठ का पूरा पता लगाने की आवश्यकता होती है। आपने अगर किसी पेज पे वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं तो उस वेबसाइट के पूरा विजिट करने के लिए क्या कहलाता है आपका, एब्सोल्यूट यूआरएल कहलाता है। यहाँ पे देखिएगा जो आपका रिलेटिव यूआरएल का जो एग्जांपल है, देखिएगा यहाँ पे देखिए सिर्फ xy.html लिखा है, जबकि यहाँ पे देखिएगा एब्सोल्यूट यूआरएल का पूरा एक पूरा लिंक ही दिया गया है, तो ये क्या होता है आपका एब्सोल्यूट यूआरएल का आपका पूरा एग्जांपल है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपका यूआरएल है, यूआरएल से भी बहुत क्वेश्चन बनता है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका मार्च में आया था, सबसे पहले यूआरआई का फुल फॉर्म आया था, तो यहाँ पे देखिएगा पहली बात यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। फिर यूआरआई को दो चीज में बांटा गया था, दो विशेषताएं होती थी, एक पहला यूआरएल और यूआरएन होता है, यही यूआरएल की इसमें बात की गई थी। तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा, जबकि आपका यूआरएन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये लिखा है कि जब आप अपने को मतलब खुद को ईमेल भेजा जा सकता है, पूछ रहा है कि क्या हम खुद को ईमेल भेजा जा सकता है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ट्रू, हाँ भेजा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए ईमेल है, तो मैं ईमेल की जितने भी पॉइंट लिखा हूँ सब पॉइंट, जब भी अगला पॉइंट ईमेल आए तो ये सभी पॉइंट आपको याद होना जरूरी चाहिए। ईमेल से कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपके सिलेबस से एग्जाम में जरूर आते हैं। सबसे पहले क्या पॉइंट है, ईमेल का फुल फॉर्म पूछता है, तो ईमेल का फुल फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, तो आप इसको फुल फॉर्म की याद करिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि ईमेल की खोज किसने किया था, ईमेल के जो खोज किए थे रे टॉमलिंसन ने किया था। तीसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि सर्वप्रथम ईमेल किस व्यक्ति ने भेजा था, तो किस व्यक्ति ने भेजा था, रे टॉमलिंसन ने ही भेजा था। आपका चौथा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ईमेल की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, तो कितनी होती है, 15 GB होती है। यहाँ पे जीबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आपका गीगाबाइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पांचवा क्वेश्चन ये बनता है कि ईमेल के साथ हम लोग क्या क्या अटैच कर सकते हैं, क्या नहीं अटैच कर सकते, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आपका टेक्स्ट, फोटो, ऑडियो, वीडियो और फाइल अटैच कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि कितना एमबी तक हम अटैच कर सकते हैं, तो यहाँ पे 20 MB तक अटैच कर सकते हैं, 20 MB से हम ज्यादा यहाँ पे वीडियो में ईमेल में आपके अटैच नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है आपका ईमेल की SMTP और POP से दो क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले यह क्वेश्चन ये बनता है कि SMTP किसके लिए यूज किया जाता है, तो किसके लिए, मैसेज को सेंड करने के लिए SMTP का यूज किया जाता है, जबकि POP का यूज किया जाता है मैसेज को रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन जो बनता है आपका सिंपल SMTP का फुल फॉर्म पूछता है, SMTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा, जबकि आपका POP का फुल फॉर्म पूछता है, POP का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि आपका CC का फुल फॉर्म पूछता है, CC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कार्बन कॉपी हो जाएगा। और इनमें से अगला पॉइंट ये पूछता है कि BCC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, BCC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर दे रहा हूँ। डिफरेंस क्या है, देखिए दोनों का यूज क्या होता है, ग्रुप में मैसेज भेजने के लिए किया जाता है, लेकिन देखिए यहाँ पे CC में क्या होता है कि अगर आप किसी ग्रुप में मैसेज भेज रहे हैं तो प्रत्येक ग्रुप के मेंबर को मालूम होगा कि ये मैसेज और किन लोगों को भेजा गया है, जबकि BCC में क्या होता है कि अगर ग्रुप में भेजा गया तो बाकी ग्रुप को पता नहीं चलेगा ये मैसेज और किन लोगों को भेजा नहीं गया है, उन लोगों को पता नहीं चलेगा, ये क्या होता है, ब्लाइंड होता है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी
होता है। इसमें ईमेल से क्वेश्चन और बनता है कि ईमेल भेजने समय क्या स्वतः जुड़ जाता है, तो क्या आपका स्वतः जुड़ जाता है, आपको जो सिग्नेचर होता है वो क्या होता है, स्वतः जुड़ जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन ईमेल से बनता है कि आपका ईमेल में क्या नहीं पाया जाता, तो क्या नहीं पाया जाता, आपका स्पेस पाया नहीं जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि आपका यहाँ पे एग्जांपल मैसेज दिया होगा round.1996@gmail.com, तो इसमें क्या पूछेगा क्या आपका ट्रू है या फॉल्स है, तो हमारे क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि इसमें कंटिन्यू डॉट नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि आपका जैसे सबसे पहले क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन सा सिंबल मतलब यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करता है, कौन सा सिंबल अलग करता है, आपका एडिटेट ऑफ करता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि यूजर नेम आगे पाया जाता है कि पीछे पाया जाता है, जो आपका यूजर नेम होता है ईमेल आईडी ईमेल एड्रेस के आगे पाया जाता है। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि यूजर नेम जो होता है वो कितने कैरेक्टर का होता है, तो कितने कैरेक्टर का आपका होता है 64 कैरेक्टर तक हो सकता है। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिएगा टोटल मिला के आप तीनों क्या बन जाता है, आपका ईमेल एड्रेस बन जाता है। ईमेल एड्रेस से भी एक क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पे देखिएगा ईमेल एड्रेस से जो क्वेश्चन बनता है कि ईमेल एड्रेस में टोटल कितने कैरेक्टर तक हो सकते हैं, तो टोटल आपके 254 कैरेक्टर तक हो सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ईमेल जब भी अगली बार क्वेश्चन में ईमेल आए तो आपको ये 17 पॉइंट आपके माइंड में याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट, एक क्वेश्चन ये था कि हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट जो होता है आपका किसमें मिलता है, तो किसमें मिलता है, आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में मिलता है। यहाँ पे देखिएगा एक स्लैब बनाया गया है, फिक्स डिपॉजिट में सबसे ज्यादा मिलता है, उसके बाद आपका रिकरिंग डिपॉजिट में मिलता है, उसके बाद क्या मिलता है आपका सेविंग अकाउंट में मिलता है। इस प्रकार आप इसको याद करिए, इसका आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो कि आपका 5वां क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे 14वां क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन यहाँ पे वंदना पाल जी ने भेजा है। तो क्वेश्चन ये कि फर्मवेयर इज एंड द नेम ऑफ रैम, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, पहली बात गलत हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग है। और यहाँ पे देखिएगा रैम का बल्ब सबसे पहले फुल फॉर्म पूछता है, रैम का फुल फॉर्म आपका पूछता है, तो आपका क्या हो जाएगा फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका फुल फॉर्म हो जाएगा, फुल फॉर्म आप इसको ध्यान दीजिएगा। रैम से एक क्वेश्चन और बनता है कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो रैम आपका किस प्रकार मेमोरी है, अस्थाई वोलेटाइल मेमोरी है। अभी देखिए फाल्स है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा रोम हो जाएगा। फिर रोम से एक क्वेश्चन और बनता है कि रोम का फुल फॉर्म क्या होगा, रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। रोम से एक क्वेश्चन और बनता है आपका रोम किस प्रकार की मेमोरी, तो रोम आपका किस प्रकार की मेमोरी है, अस्थाई नॉन वोलेटाइल मेमोरी से कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा फर्मवेयर आए, तो फर्मवेयर किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। एग्जाम्पल में मान लेते हैं आप कोई हार्डवेयर खरीद के लाए हैं, उस हार्डवेयर का काम है सिर्फ जोड़ना काम है, वो हार्डवेयर सिर्फ जोड़ सकती है, तो आपने क्या किया, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में लॉन्च कर दिया जो आपका हार्डवेयर का काम आपके कंप्यूटर में किया जाता है, तो सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, आपका फर्मवेयर कहलाता है। इससे क्या होता है, जो आपने हार्डवेयर अलग से लाया है उसकी जरूरत खत्म हो जाती है, तो यही क्या सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, आपका फर्मवेयर कहलाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब 5वां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, 5वां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, लिखा है कि उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किया गया प्रोग्राम क्या कहलाता है, तो तैयार किया गया प्रोग्राम क्या कहलाता है, आपका सोर्स प्रोग्राम या तो सोर्स कोड कहलाता है। इससे क्वेश्चन और बनता है, ये क्वेश्चन ये बनता है कि आपका ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर द्वारा मशीन भाषा में परिवर्तित प्रोग्राम क्या कहलाता है, जो आप ट्रांसलेट कर देते हैं उसके बाद मशीन भाषा में आप अपने परिवर्तित करते हैं, तो वो प्रोग्राम क्या कहलाता है, आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या तो मशीन कोड या तो ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे अनअकैडमी पे वीडियो देखे होंगे तो वहां पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर कैसे होता है, कैसे काम करता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, जो आपका 3 प्रकार होता है, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, और सबके बारे में अच्छे से डिस्कस किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो कि 6वां क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन यहाँ पे लिखा कि आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, आपका लिनक्स टोरवाल्ड्स के नाम से किया गया था। एक क्वेश्चन इससे ये भी बनता है कि लिनक्स किसके नाम पे रखा गया था, तो लिनक्स इन्हीं के नाम से रखा गया था, लिनक्स टोरवाल्ड्स के नाम से रखा गया था। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास कब किया गया था, तो कब किया गया था, आपका 1992 में किया गया था। अगला क्वेश्चन इसे लिनक्स से ये बनता है कि लिनक्स कितने बिट पे काम करता है, तो लिनक्स जो आपका कितने बिट पे काम करता है, 32 बिट पे काम करता है। एक क्वेश्चन और अब बनता है कि लिनक्स का लोगो क्या है, तो लिनक्स का जो आपका लोगो है टक्स नामक पेंगुइन है, जो आप हमारे चैनल के जो आपका लोगो है वही आपका क्या है, लिनक्स का लोगो है, आप वही ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, 7वां क्वेश्चन यहाँ पे देखा कि मनरेगा का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा था, मनरेगा का क्वेश्चन ऐसा था कि मनरेगा में जी से क्या शादी का अर्थ है, जी का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे पहले फुल फॉर्म यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, किसी भी मीनिंग का पूछ सकता है, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है, तो जी का यहाँ पे मतलब पूछा था, जी का क्या हो जाएगा मीनिंग यहाँ पे गारंटी हो जाएगा, या तो हो सकता है अगले एग्जाम में किसी का भी मीनिंग पूछ सकता है, हो सकता है ए का मीनिंग पूछ सकता, तो आप सभी फुल फॉर्म को आप याद करिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि ये बहुत सही क्वेश्चन है कि इन्फो एट द रेट ऑफ नीलो
डॉट इन में इन्फो का क्या अर्थ है? तो इन्फो का क्या अर्थ होता है? आपका इन्फॉर्मेशन होता है। एक क्वेश्चन आपका इससे बनता है कि ये डॉट इन होता है, डॉट इन से क्या अर्थ होता है? तो डॉट इन से जो आपका अर्थ होता है आपका इंडिया होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो कि आपका नवा क्वेश्चन है। नवा क्वेश्चन यहाँ पे है कि सीडी की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लगभग 700 एमबी होती है। यहाँ पे एमबी का जो फुल फॉर्म आपका हो जाएगा मेगाबाइट हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि आपका जो 700 एमबी होता है उसमें लगभग कितने मिनट का वीडियो ऐड हो सकता है? तो लगभग आपका 80 मिनट का वीडियो आपके सीडी में ऐड हो सकता है। अगला यहाँ पे देखिएगा जो आपका सीडी का फुल फॉर्म पूछता है, सीडी का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा। यहाँ पे एक पूछता है कि सीडी की व्यास लगभग कितनी होती है? तो लगभग आपका 120 एमएम होता है और जो इसकी मोटाई होती है 1.2 एमएम होती है। इसका एक क्वेश्चन और बनता है कि आपको जो सीडी ड्राइव, सीडी में जो आपका जो मैटर होता है वो किसके द्वारा पढ़ा जा सकता है? तो किसके द्वारा पढ़ा जा सकता है? आपका सीडी ड्राइव के थ्रू पढ़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि सीडी ड्राइव की गति को, एक क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि सीडी ड्राइव की गति को एक संख्या और दूसरे को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो दूसरे को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आपको एक्स से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लिखा, जैसे यहाँ पे एक संख्या दिया, दूसरे पे एक्स से प्रदर्शित किया गया है, एक संख्या फिर एक्स को, एक संख्या फिर एक्स को, तो ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि ये किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? एक्स से प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखिएगा नेफ्ट सेवा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? 2005 में प्रारंभ की गई थी। क्यों प्रारंभ की गई थी? पहले जमाने में क्या होता था कि जो भी उस लोगों को सैलरी मिलती थी वो चेक के द्वारा मिलती थी, तो यहाँ पे चेक को बंद करके क्या किया गया, लोगों को डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता था 2005 के बाद। तो यहाँ पे देखिएगा 2005 से स्टार्ट किया गया था। अब यहाँ पे नेफ्ट का फुल फॉर्म पूछ सकता है, नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इसका फुल फॉर्म होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिएगा ये काफी सही क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है। तो देखिए सबसे पहले ई प्रोम का फुल फॉर्म आया था, डबल ई प्रोम का फुल फॉर्म। तो सबसे पहले ई प्रोम का फुल फॉर्म यहाँ पे देखते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, पहली बात यहाँ पे प्रोम का सबसे पहले देखिएगा, प्रोम का आपका फुल फॉर्म पूछा था, प्रोम का क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? आपका प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले रोम का फुल फॉर्म पूछता है, रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आपका रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। आपका प्रोम का फुल फॉर्म पूछता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो प्रोग्राम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका ई प्रोम का फुल फॉर्म पूछता है, तो ई प्रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आपका इरेजेबल प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। आप ये सभी फुल फॉर्म को याद करिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे एक बार बता दूं जो आपका यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे डिस्कस किया हूँ, आपने अनअकैडमी की वीडियो देखी होगी, मैं यहाँ पे लिंक सारा यहाँ पे दे दूंगा, आप वहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं आपका प्रोम कैसे होता है, ई प्रोम कैसे काम करता है और डबल ई प्रोम कैसे काम करता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि आपका जो ये देखिए ई प्रोम है, सिर्फ ई प्रोम की बात किया जा रहा है, ना कि डबल ई प्रोम की, सिर्फ ई प्रोम। यहाँ पे देखिए ई पी आर ओ एम, ई प्रोम को बोलता है कि किस नाम से और जाना जाता है? तो आपका जो ई प्रोम होता है किसके नाम से जाना जाता है? अल्ट्रा वायलेट ई प्रोम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, ये कोविड का क्वेश्चन काफी अच्छा है कि इमोटिकॉन क्या है? इमोटिकॉन क्या है? यहाँ पे देखिएगा लिखा है कि ईमेल तथा ऑनलाइन चैट के दौरान अक्षर तथा चिन्हों की सहायता से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना क्या कहलाता है? इमोटिकॉन कहलाता है। यहाँ पे देखिएगा इमोटिकॉन जो आपका क्या होता है कि इमोशन होता है, जैसे इमोशन देखिएगा क्या लिखा है, इमोटिकॉन लिखा है यहाँ पे, जो आपका इमोशन होता है प्लस आइकॉन, जो आपका आइकॉन होता है उस दोनों से मिला के क्या बनाया गया, आपका इमोटिकॉन बनाया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो कि 13वां क्वेश्चन है, और इसके इमोशन सिंबल के बारे में जो हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में 3 जून 2018 की वीडियो के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ कि कैसे आपका इमोशन कैसे काम करता है, कैसे उसको शो किया जाता है। इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है कि आपका जो हंसी वाला सिंबल है कैसे उसको बनता है। मैं उस वीडियो में कम से कम 25 प्लस सिंबल के बारे में अच्छे से डिस्कस किया हूँ और कैसे प्रदर्शित किया जाता है ये भी डिस्कस किया हूँ। यहाँ पे 13वां क्वेश्चन देखते हैं कि इक्रो जो निम्स है ये क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था बट उनका क्वेश्चन कुछ क्लियर नहीं था, बट यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ जो आपका इक्रोनिम्स क्या होता है। एक कंप्यूटर संचार में प्रसाद देखिए कंप्यूटर संचार में प्रचलित संक्षिप्तकार जो आपका शॉर्टकट होता है, जिनका प्रयोग न्यूज ग्रुप, ईमेल या चैटिंग के द्वारा
दौरान किया जाता है तो क्या कहलाता है आपका, इक्रोनिम्स कहलाता है। जैसे हम लोग क्या होते हैं बहुत सारे शॉर्टकट यूज करते हैं, जैसे कोई भी शब्द बोलना तो उसका बहुत शॉर्टकट यूज करते हैं अपने मैसेज के लिए, वही हमारा क्या कहलाता है इक्रोनिम्स कहलाता है। यहाँ पे देखिए आपका अगर आपको लिखना बाय द वे लिखना है तो क्या लोग क्या लिखते हैं BTW लिख के आपका काम चला लेते हैं। ऐसे क्या होता है गुड को लिखना होता है GUD गुड लिख देते हैं। ऐसे बहुत सारे चीज है शॉर्टकट होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे एक्रोनिम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, चौदहवां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। चौदहवां क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि आपका SERP का फुल फॉर्म आया था, तो SERP का फुल फॉर्म हो जाएगा सर्च इंजन रिजल्ट पेज, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इससे एक फुल फॉर्म और आता है SEO का फुल फॉर्म आता है, यहाँ पे देखिए SEO का फुल फॉर्म आता है। SEO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब पंद्रहवां क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, पंद्रहवां क्वेश्चन देखते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है बट काफी कंफ्यूजन वाला था लोगों को। टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है ट्रू फॉल्स में आता तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ये क्या है एक प्रकार का आपका इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस के बारे में मैं कुछ और एग्जांपल बता दे रहा हूँ, उसको आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको पास आए तो तुरंत आपको उसको इनपुट डिवाइस लगाइए। जैसे आपका कीबोर्ड हुआ, माइस हुआ, जॉयस्टिक हुआ, प्रकाशीय पेन हुआ, स्कैनर हुआ, आपका जो बारकोड रीडर होता है आपका माइकर होता है, पंच कार्ड रीडर भी होता है, आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर हो, जितने भी आपका रीडर आएंगे सब आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे इनपुट डिवाइस के आ जाएंगे। साथ में आपका डिजिटल कैमरा हो गया, माइक हो गया आपका, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कार रीडर हो गया, ये सब क्या हो जाएगा आपके इनपुट डिवाइस के एग्जांपल हो जाएंगे, आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, 16वां क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि ऑप्टिकल डिस्क, यहाँ पे देखिएगा ये अलग अलग है, ऑप्टिकल डिस्क, फिर रजिस्टर, फिर मैग्नेटिक टेप, कैच मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, फिर रोम या रैम, फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पे देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, इससे हर बार क्वेश्चन बनता है कि को स्टोरेज क्षमता के आधार पर छोटे से बड़े के रूप में व्यवस्थित करिए। और आपको जब सबसे जो छोटा स्टोरेज है उसको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद जो सबसे बड़ा स्टोरेज है उसके बाद उससे लिखना है। ऐसे मुझे लिख के आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है, कि इसको मतलब बड़े छोटे से बड़े क्रम में कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मार्च 2018 जो यहाँ पे थंबनेल देख रहे हो उसका चलिए क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, जो मैं क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। तो लिख भाई क्वेश्चन ये पूछा था कि अटल पेंशन योजना में जो आपका अधिकतम पेंशन को होता है कितना मिलता है, तो पहला ऑप्शन दिया था मैं 3000, दूसरा ऑप्शन दिया था 4000, तीसरा ऑप्शन दिया था 5000, चौथा ऑप्शन दिया था 6000। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 5000, जो अधिकतम पेंशन मिलता है 5000 रुपया मिलता है। और दोस्तों जिनका भी एग्जाम हो रहा है, जिसका एग्जाम आने वाला है, वो लोग अनअकैडमी के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर डिस्कस कर लिए, उसमें जितने भी ऑनलाइन क्वेश्चन थे सभी को मैं एक जगह पे अरेंज कर लिया हूँ, सिर्फ उसके आंसर को डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको एग्जाम में थोड़ा बहुत आंसर को याद रहे, आप गेस से लगा सकते हैं। अब मैं जितने भी यहाँ पे अनअकैडमी के जितने भी वीडियो को यहाँ पे डिस्कस किया हूँ सब मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों जिनका भी एग्जाम है और मेरे कमेंट बॉक्स में करके क्वेश्चन आप बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आया था, जो यूनिक क्वेश्चन है उसको जरूर बताइएगा। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपना फेसबुक लिंक, अपना ईमेल आईडी, अपने कमेंट बॉक्स में किसी भी तरह आप मुझे अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। चलिए कल के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।